everyone. Good morning to all and welcome back on your channel Grow Together and welcome back in the series of the GPMAT 2021 question paper solutions. So in the last video, I discussed the question number 1 to 5. In this video, I will discuss question number 6 to 10. Okay, so please solve the previous year questions. If you are preparing for the IPMAT exam, aap chahe IPMAT Indore ke liye prepare kar rahe ho, chahe Rohtak ke liye ho, chahe GPMAT ke liye, aapko tino hi case mein IPMAT ke jitne bhi exams hue hain aur usme kitne bhi questions puche gaye hain, wo aapko sabhi solve karne hain. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में क्या है, इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स द एवरेज एज इज 28 इयर्स. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द अर्थमेटिक सेक्शन फ्रॉम द एवरेज. तो अगर आपने अभी तक एवरेज वाला चैप्टर कवर नहीं किया है तो फर्स्ट कवर दिस चैप्टर एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड आपका जो मेथड होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हो, फर्स्ट पॉज माय वीडियो, try this question by yourself and then check my method. Okay, chaliye to question number 6, in a cricket team of the 11 player the average, main ek bar question pura read kar leti hu, otherwise aap pause karke video aap khud se bhi read kar sakte ho. Average age is 28 years. Out of these, the average age of the three groups of the three players each of 25, 28 and 30 years respectively. Okay, if in these groups the captain and the youngest player are not included and the captain is 11 years older than the younger player, then the age of the captain is. Ab pehle main is question ko bahut dheere dheere solve karungi and iske baad dekhenge ki hum aur kaise kar sakte hain. Bachche cricket team hai, 11 players hai, एवरेज एज 28 ईयर्स है. आउट ऑफ दीज एवरेज एज ऑफ द थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री प्लेयर्स ईच, आपके पास स्टार्टिंग में टोटल 11 प्लेयर्स थे, एवरेज 28 था. यहाँ पे आपने थ्री ग्रुप्स में आपने इसको डिवाइड किया है. तो जस्ट सपोज अगर आपके पास पहले प्लेयर्स हैं, पहले तीन प्लेयर्स हैं आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3. The average age of the three groups of the three players each 25. तो अगर average 25 है तो इन तीनों का summation 25 into 3 हो जाएगा. Next three P4, P5, P6. इनका average 28 है तो total summation 28 into 3 हो जाएगा. फिर आपके पास P7, P8 और P9, इनका average अगर 30 है तो total हो जाएगा 30 into 3. Correct है? If in these group the captain and youngest player are not included, because 3, 3, 6, 3, 9 members तो आपके पास यहाँ पे हो गए, 9 players. आपके पास दो player बचे हैं, एक आपके पास captain है और एक आपके पास youngest player है, ये included नहीं. फिर उसके बाद बोला captain is 11 years older than the younger player. अगर younger player की age X है तो captain की X plus 11 है. आपको फाइंड आउट करनी है एज ऑफ द कैप्टन. बच्चे अगर 11 प्लेयर का एवरेज आपके पास 28 है तो 11 प्लेयर का समेशन कितना होगा, 28 इंटू 11. उसमें से आप ये 9 प्लेयर्स की एज निकाल दीजिए, थ्री तीनों में कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लीजिए, 25 प्लस 28 प्लस 30. एंड मैंने आपको 11 के मल्टीप्लीकेशन का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक करवाया हुआ है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो शॉर्ट कैलकुलेशन प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में डिस्कस किया है कि अगर आपको किसी भी टू डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उनका समेशन ऐसे रख दीजिए. तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 308, ये बनेगा आपके पास 2550 एंड यहाँ पे हो जाएगा 53 एंड ये हो जाएगा 83. आप इसको माइनस कर दीजिए, 3824 आप माइनस करेंगे, आप इसको 250 भी ले सकते हो. ठीक है, तो 250 में 50 उधर तो 7 बचेगा, तो 57 आपके पास ही वैल्यू आ जाएगी. तो दैट मींस कैप्टन प्लस यंगर प्लेयर की जो एज है वो टोटल समेशन 57 है. 2x 11 आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 46, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23. आपको यंगर प्लेयर की एज नहीं बतानी है, आपको कैप्टन की एज बतानी है, तो 23 प्लस 11 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34 ईयर्स. ठीक है, आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 34 इयर्स. करेक्ट है, तो मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, 11 प्लेयर्स एवरेज इज 28. अब देखो ये तो हो गया मेथड, आप दोबारा से ये वीडियो रिप्ले करके चेक कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में देखूं, मतलब थोड़ा फास्ट करूं, 11 प्लेयर का एवरेज 28 है तो टोटल हो जाएगा 28 इंटू 11. यहाँ पे तीन तीन प्लेयर का ग्रुप बनाया हुआ है तो एवरेज अगर 25 है तो समेशन 25 इंटू 3, यहाँ पे 28 इंटू 3 और यहाँ पे 30 इंटू 3. इंटू 3 तो मैंने कॉमन ले ही लिया है सब में,
अगर आप यहाँ पे सब ऐड करते हो तो 308, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये वैल्यू -3 इनटू यहाँ पे 53 हुआ, और ये हो जाएगा क्योंकि 25 प्लस 28 53 एंड प्लस 30 आपके पास में कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 249, 57 आएगा। तो आपके पास मान लीजिए ये कैप्टन है और कैप्टन की एज अगर यंगर प्लेयर की एज अगर एक्स है तो कैप्टन की एक्स प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 57, 57 माइनस करेंगे 46 आएगा, 2x की वैल्यू 46, x की वैल्यू 23, आपको कैप्टन की एज बतानी है तो 23 प्लस 11 आंसर वुड बी 34 ईयर्स। तो बच्चे खेल है पूरा कि आप अपनी कैलकुलेशन को किस तरीके से परफॉर्म करते हो एंड सेकेंड इज आप अपने क्वेश्चन को कितना इजिली इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था आपका एवरेज कंसेप्ट से, तो अगर आपने एवरेज का कंसेप्ट नहीं कवर किया तो आप एवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे कवर कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अ मेंबर कंसिस्ट ऑफ द टू डिजिट्स whose sum is 8, if 18 is added to the number, its digits are interchanged। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करते हो तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। कैसे मैम, देख लेते हैं इसको। टू डिजिट नंबर है, समेशन तो सभी में आपका 8 है, तो ये वाली का तो कोई इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। अगर आप 18 ऐड करते हो तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। अगर आप यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में कितना 44 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे 18 ऐड करते हो तो ये वैल्यू आपके पास में 53 हो जाएगी, 35 का 53 हो रहा है, यस। तो बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कितना टाइम, 10 टू 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से परफॉर्म कर लोगे। तो नंबर सिस्टम के इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन की हेल्प से ही कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड when 1/3 of it's pulled out of it is pulled out, that means pole के 1/3 की बात कर रहे हैं। 4/7 का 1/3 नहीं, pole के 1/3 की बात कर रहे हैं। तो बच्चे अगर pole की length total p है, 4/7 जो है वो आपका mud में है and 1/3 आपने बाहर निकाल लिया, तो 1/3 of the pole, तो 1/3 of the pole and 250 centimeter of the pole is still in the mud। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, 1/3 ऑफ द 4/7 ले सकते हैं, नहीं, उसने बोले 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, दैट मींस पोल की लेंथ का 1/3 आपने पुल्ड आउट किया है एंड स्टिल 250 सेंटीमीटर ऑफ द पोल इज स्टिल इन द मड। तो बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा -7, पी है ही आपके पास में, तो 5p/21 की वैल्यू 250, यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो 50p का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 1050 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4/3 आपका मड में ऑलरेडी था, आपने पूरे पोल का 1/3 लेंथ के इक्वल आपने बाहर निकाला, तो बचा आपके पास 250 स्टिल इन द मड। आप इसको इक्वेट करोगे तो आप इजिली यहाँ पे पोल की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 डन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज समवेयर द कंसेप्ट ऑफ द सर्च एंड इंडाइसेस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आरएस अग्रवाल की बुक में भी दिए हुए हैं, जो आरएस अग्रवाल की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक आती है, आप वहां से अर्थमेटिक सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप से है। यहाँ पे मुझे 1/x, 1/y और 1/z को सॉल्व करना है। बच्चे फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है। आपको दिया हुआ है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6z माइनस जेड। आप इसको इक्वल टू समथिंग अज्यूम कर लीजिए, तो इसका मतलब है 2x भी आपके पास k के इक्वल है, 3y भी आपके पास k के इक्वल है एंड 6z भी आपके पास k के इक्वल है। एंड सर्च का कंसेप्ट अगर आप पावर को इधर लेके जाओगे तो ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पे 3 इक्वल टू हो जाएगा k/1y और यहाँ पे 6 इक्वल टू हो जाएगा k/-1/z। अब आप इन तीनों में से कुछ दो को एडजस्ट कीजिए ताकि आपको 3 वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू मिल जाए। तो मुझे पता है अगर मैं 2 × 3 करती हूँ तो आपको इक्वल टू 6 मिलता है। अब वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू 1/x, यहाँ पे 3 की वैल्यू k/1/y और इसकी वैल्यू k/-1/z। बच्चे बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन आपको सर्च का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास बेस इक्वल है तो आपकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। सर्च का कंसेप्ट, अगर आपके पास इक्वल टू में दोनों साइड बेस इक्वल है तो आपकी जो पावर है वो भी इक्वल होगी।
भाई अगर ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन है, ये तभी हो सकता है जब एम इक्वल टू एन हो। सो इफ के पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू के पावर माइनस 1 अपॉन जेड, इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन द पावर इज ऑल्सो इक्वल। तो यहां से जब आप 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन जेड को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो इक्वल टू में बनेगा आपके पास 0। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने होते हैं। समथिंग अज्यूम कर लीजिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू, वहां से आप न्यूमेरिक वैल्यू का पार्ट निकालिए और किन्हीं भी दो वैल्यू को एडजस्ट करके थर्ड वैल्यू बनाना है, फिर उस कांस्टेंट के टर्म में आप आंसर रखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो आपको जिप मैट की सारी वीडियोस कवर कर लो बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अ कैंडिडेट स्कोरिंग 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाई 30 मार्क्स व्हाइल अनदर कैंडिडेट वो स्कोर 50% मार्क्स गेट 20 मार्क्स मोर देन those required to pass, the pass percentage is, तो ये आपका percentage का question है, simple level में करेंगे। बच्चे अगर उसके 25 marks आते हैं तो वो 30 marks से fail हो जाता है, that means अगर उसके 30 marks और आ जाते हैं तो वो just pass होता, ये pass marks के equal होता। अनदर कैंडिडेट के 50% में से अगर मैं 20 मार्क्स जो उसको एक्स्ट्रा मिले हैं अगर मैं वो माइनस कर दूं तो वो पास मार्क्स के इक्वल होगा, यस और नो? भाई इफ यू सिक्योर 25% प्लस 30 मार्क्स और आ जाए तो यू विल जस्ट पास, एंड अनदर कैंडिडेट के 50% में से अगर 20% मार्क्स निकालूं तो वो जस्ट पास हो जाएगा। परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ, 25% इधर आएगा तो 25%, 20 इधर आएगा तो ये वैल्यू 50 हो जाएगी। आपको पास परसेंटेज बताना है। बच्चे अगर 50 मार्क्स जो हैं वो आपके 25% के इक्वल है तो या तो आप 30 मार्क्स की वैल्यू निकाल लो या फिर 20 मार्क्स की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 मार्क्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 25% अपॉन 50 इंटू 30, तो ये बनेगा आपके पास 15%। दैट मीन्स 30 मार्क्स इज इक्वल टू द 15%। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिंपल सोचो कि अगर 50 मार्क्स 25% के इक्वल है तो 30 मार्क्स 15% के इक्वल होंगे। तो यहां से जब आपको पास परसेंटेज आप बताओगे तो 25% प्लस 30 मार्क्स की वैल्यू 15%, तो आपका आंसर हो जाएगा 40%। सो इट मीन्स पास परसेंटेज इज द 40%। तो आप इसको क्विकली कैसे कर सकते हो, 25 प्लस 30 या फिर 50% प्लस 20 इक्वल होगा। परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ, मार्क्स मार्क्स एक तरफ। 50 मार्क्स की वैल्यू अगर 25% है तो 30 मार्क्स की वैल्यू 15% होगी, 25 प्लस 15 आंसर हो जाएगा 40%, ठीक है। तो आपको स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम आई विल अपलोड द वीडियोस ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है, कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11 to 15। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।